सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, देश में कई जगह कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं तो कहीं बाढ़ से। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और अब इसी बीच में मोदी सरकार ने कल और आज में कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तो इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। वहीं बताएंगे अनलॉक 4, 1 सितंबर से चल सकती है मेट्रो, स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। बड़ी खबर, जर्मनी ने पाकिस्तान की मदद से किया इनकार, टूटी सेना की उम्मीद। साथ ही बताएंगे खबरदार, 3 संतान वाले टीचर की नौकरी पर संकट, जाने क्या है मामला। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे पीएम किसान सम्मान योजना, खाते में अभी तक नहीं आए 2000 रुपए, तो जल्द करवाए अकाउंट को अपडेट। वही इंडियन रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर, चलेगी अतिरिक्त ट्रेन, इन स्टेशन पर होगा ठहराव। साथ ही बताएंगे ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर सरकार का बड़ा आदेश, दी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए ही सही पर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही में वीडियो के नीचे एक लाल सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है, उसे भी जरूर दबाएं, और फिर आपको वहां दिखेगी एक छोटी सी घंटी, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए एक एक करके जान लेते हैं सारी बड़ी खबरों के बारे में। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 31,70,942 के पार हो चुका है और 58,570 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वही 24,05,047 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,17,090 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,38,18,500 कन्फर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के कारण देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हुए 5 महीने हो गए हैं। 31 अगस्त को अनलॉक 3 समाप्त होने को है और उम्मीद ये है कि गृह मंत्रालय जल्द ही अनलॉक 4 के तहत स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय ले सकते हैं। इस महीने के अंत तक दिशा निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। अनलॉक 3 के तहत गृह मंत्रालय ने व्यायाम शालाओं और योग संस्थाओं को फिर से खोलने की अनुमति दी थी और कहा था कि शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। जैसा कि अगस्त माह समाप्त होने को है, अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। वहीं दिल्ली में 1 सितंबर से ही मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने रविवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, जब भी सरकार निर्देश देगी वो परिचालन बहाल करने के लिए तैयार है। DMRC के कार्यकारी निदेशक अनुजा दयाल ने कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कदम उठाए जाएंगे। दिवाली तक एयर ट्रैफिक भी पूरी तरह समान होने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने उम्मीद जताई कि दिवाली तक कोविड-19 महामारी से पहले वाली स्थिति आ जाएगी। उन्होंने कहा, तब तक केंद्र सरकार मुंबई, कोलकाता जैसी जगहों से और ज्यादा उड़ानों की अनुमति दे देगा, जिससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर एक बार फिर से अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म है। साउथ कोरिया के अधिकारियों ने दावा किया है कि किम जोंग की मौत हो गई है और अब सत्ता उनकी बहन किम यो जोंग के हाथ में है, जबकि नॉर्थ कोरिया एक्सपर्ट्स का दावा है कि किम जोंग उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन वो गंभीर बीमारी के चलते कोमा में है। इस बीच समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार नॉर्थ कोरिया में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नॉर्थ कोरिया से किम जोंग के मारे जाने कि इस अफवाह की शुरुआत एक सरकारी विज्ञापन के जरिए हुई, जिसमें स्मोकिंग ना करने की सलाह दी गई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं, सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने ये जानकारी दी। बता दें कि प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में लाया गया था और उनके मस्तिष्क की सर्जरी हुई और इसके अलावा वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। प्रणब मुखर्जी का उपचार कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण है जिसका इलाज हो रहा है, वो अभी वेंटिलेटर पर है। मुखर्जी के मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ था। वहीं जर्मनी ने पाकिस्तान के अनुरोध को ठुकराकर उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने जर्मनी से अपनी पनडुब्बियों को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम देने का अनुरोध किया था, लेकिन जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की अध्यक्षता वाली सिक्योरिटी पैनल ने यह फैसला लिया है। मामले से जुड़े लोगों ने कहा, जर्मनी की सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने फैसले से पाकिस्तानी दूतावास को 6 अगस्त को ही अवगत करा दिया है। पाकिस्तान ने जर्मनी से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम AIP मांगा था ताकि वो अपनी पनडुब्बियों को रिचार्ज कर सके और लंबे वक्त तक पानी के अंदर रह सके। बड़ी खबर, सरकार इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर पैन आधार कार्ड लिंक कराने की तमाम तारीखों की अंतिम तारीखों को कोरोना वायरस महामारी की वजह से आगे खिसका चुकी है। अब सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐसे TL और डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 31 दिसंबर तक कर दिया है जो हाल फिलहाल में रिन्यू के लिए जाने वाले थे। इस आदेश की वजह से देश के करोड़ों लोगों को राहत मिली है। मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो पाया है या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। दोस्तों, वीडियो में अभी काफी और महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। बिहार, राजस्थान समेत देश भर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कुछ बड़े राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करते हुए कुछ इलाकों में 6 घंटे के भीतर हालात खराब होने की बात कही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 दिन यानी 25 से 27 अगस्त तक दिल्ली NCR समेत हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भारी बारिश होने की संभावना है। देश के उत्तरी भाग में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 26 से 27 अगस्त को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में ओले गिरने के साथ काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। आज लगातार 6वें दिन देश भर में पेट्रोल के दाम बढ़े। दिल्ली में आज पेट्रोल 11 पैसे महंगे हुआ। वहीं डीजल के दामों पर नजर डाली जाए तो इस महीने डीजल की कीमत जिसकी 10 बनी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 11 पैसे बढ़कर 81.73 रुपए और डीजल 73.56 रुपए है। मुंबई में 88.39 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 83.24 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 9 पैसे बढ़कर 84.73 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। सोमवार शाम को रही इमारत से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 साल के बच्चे को बचा लिया गया। NDRF के डिप्टी कमांडेंट ने अपनी एक खास बातचीत में कहा, बच्चे की तबीयत ठीक है और वो स्वस्थ है। NDRF अधिकारी ने कहा, बच्चा एक किनारे दुबका हुआ था। NDRF के 2 जवान जब मलबे को हटा रहे थे तब एक किनारे बच्चे को देखा गया, फिर उसे बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल भेजा गया। उसका मेडिकल चेकअप कराया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबरदार, 3 बच्चों वाले टीचर की होगी छुट्टी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अब शिक्षकों से उनके बच्चों की जानकारी जुटा रहा है। अगर किसी शिक्षक की 3 संतान है तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश भर के शिक्षकों से एक प्रपत्र के जरिए उनके संतानों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अगर किसी शिक्षक की 3 या उससे ज्यादा संतानें हुई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों ने संतानों के बारे में शिक्षकों से जुड़ी जानकारी मांगी। BEO ने संकुल प्राचार्य को एक प्रपत्र भेजा। प्रपत्र के 6वें कॉलम में 26 जनवरी 2001 या उसके बाद के शिक्षकों के घर जन्मे बच्चों की संख्या की जानकारी देनी है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में नियमित ट्रेन पर अगले आदेश तक रोक लगी है, हालांकि स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है रेलवे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसे देखते हुए रेलवे कुछ और अतिरिक्त ट्रेनें शुरू कर सकता है। जानकारी के अनुसार रेलवे जल्द ही मुंबई के लिए कई अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा। बता दें कि गोमती नगर स्टेशन को दिसंबर तक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम भी पूरा हो जाएगा, इससे मुंबई जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे के अनुसार मऊ और छपरा के लिए जल्द ही ट्रेनें शुरू हो सकती है, इन स्टेशन के बीच ट्रेन का ठहराव होगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से इसकी छठी किश्त जारी की गई। अगर कई लोगों के अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं पहुंच पाए हैं, आप भी उन्हीं में से एक है, तो अपने पुराने अकाउंट को जल्द से अपडेट करवा लें, वरना आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर अभी तक आपके अकाउंट में रुपए नहीं आए हैं तो पुराने जनधन खाते को अपडेट करवाएं। इसके अलावा बैंक में जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स का मिलान कराएं, क्योंकि कई बार आधार कार्ड या फिर अन्य दस्तावेजों में हुई गड़बड़ी की वजह से भी पैसा नहीं आ पाता है। मंत्रालय की ओर से पहले ही ये निर्देश दिए गए थे कि सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर लें। कागजों में किसी तरह की गलती होने पर खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा, इसलिए बैंक से संपर्क कर इसकी जांच कराएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। HMD Global ने भारत में Nokia C3 लॉन्च किया है। ये बजट स्मार्टफोन है और उसकी कीमत 7,499 रुपए से शुरू है। इसके दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। बेस वेरिएंट में 2GB रैम के साथ 16GB की स्टोरेज है, जबकि दूसरे वेरिएंट में 3GB रैम के साथ 32GB की स्टोरेज दी गई है। Nokia C3 की बिक्री 17 सितंबर से शुरू होगी। 10 सितंबर से इसके लिए Nokia की वेबसाइट पर प्री बुकिंग शुरू होगी। स्मार्टफोन को सियान या सैंड कलर ऑप्शन के लिए पेश किया गया है। कंपनी ने कहा है कि इसके साथ एक साल की रिप्लेस गारंटी भी दी जाएगी। Nokia C3 में 5.99 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है और IPS पैनल का यूज किया गया है। स्मार्टफोन में ऑक्टोकोर यूनिसेक प्रोसेसर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा है और सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। वहीं आने वाले वक्त में एयरटेल के उपभोक्ताओं को अपनी जेब को ज्यादा ढीली करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल ने इसके संकेत दे दिए हैं। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा, 160 रुपए में 16GB डेटा एक त्रासदी है। इस कीमत पर आप या तो 1.6GB डेटा का इस्तेमाल कीजिए या फिर इससे ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और यूरोप की तरह 50 से $60 नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन $2 प्रति महीना निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं चलेगा। सुनील मित्तल ने कहा, सरकार को उद्योग जगत के साथ ज्यादा विवादों में नहीं उलझना चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए, तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेशन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।